नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को एक साल पूरा होने को है, वहीं किसानों की मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोनीपत के कुंडली सिंधु बॉर्डर पर बुधवार को प्रदर्शन में शामिल एक किसान का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतक किसान का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। वो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या की। कुंडली थाने की पुलिस दोनों एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि किसान की मौत कथित तौर पर खुदकुशी से हुई है। कुंडली पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मृतक किसान खेती किसानी का काम करता था। किसान आंदोलनकारियों के बीच पिछले 5-6 महीने से उसका आना जाना लगा रहता था। हालांकि अभी मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमें बताया गया है कि वो मानसिक रूप से परेशान था। हालांकि सच क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा। इससे पहले 15 अक्टूबर को भी सिंधु बॉर्डर पर एक किसान की हत्या कर दी गई थी। किसान आंदोलन स्थल पर 36 वर्षीय एक व्यक्ति का शव छत बिछत हालत में पाया गया था। मृतक की पहचान लखबीर सिंह के रूप में हुई थी। कथित तौर पर बॉडी को पुलिस बैरिकेड से बंधा खून से लथपथ हालत में पाया गया था। इस मामले में 3 निहंग सिखों को गिरफ्तार किया गया था। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।